सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्सअप का विज्ञापन याद आते ही हमारी आंखों के सामने आते हैं शाहरुख खान, सलमान खान या फिर अक्षय कुमार। इस एड में ये सब जबरदस्त स्टंट करते नजर आते हैं। लेकिन इनसे पहले भी एक एक्टर था जिसने इस ब्रांड का एड करके धूम मचा दी थी। जब वो म्यूजिक एल्बम में आया तो तमाम लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया और फिल्मों में आया तो सबके दिलों में घर बना लिया। अपनी पहली ही फिल्म से उसने जलवा बिखेर दिया। लेकिन एक ही फिल्म करने के बाद वो रुपहले पर्दे से गायब हो गया, और गायब भी ऐसा हुआ कि फिर कभी नहीं लौटा। हम बात कर रहे हैं फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के हीरो नकुल कपूर की। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सफल फिल्म देने के बाद भी इंडस्ट्री छोड़ दी, और क्यों लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। उनके करियर और जिंदगी से जुड़े तमाम छुए अनछुए पहलुओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में पले बढ़े नकुल कपूर बचपन से ही एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें वाटर स्पोर्ट्स में खास दिलचस्पी थी। वो डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन थे। बंजी जंपिंग में उन्हें महारत हासिल थी। बंजी जंपिंग एक ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटी है जिसमें कोई व्यक्ति ऊंचाई से एक इलास्टिक रस्सी के साथ जुड़े हुए नीचे की ओर कूदता है। जब व्यक्ति कूदता है तो रस्सी खिंचाव की वजह से बढ़ जाती है, और जब रस्सी वापस सिकुड़ती है तो व्यक्ति वापस ऊपर की ओर उड़ जाता है। नकुल उस दौर में भारत में मौजूद बेहद कम बंजी डाइवर्स में से एक थे। इसी बंजी डाइविंग की बदौलत उन्हें मॉडलिंग का मौका भी मिल गया। साल 1996 में थम्सअप ने नकुल कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस एड में नकुल बंजी जंपिंग करते नजर आए। ये भारत में इस तरह का पहला एड था। लोगों को ये एड और नकुल दोनों ही खूब पसंद आए। अगले 2-3 सालों तक नकुल ही इस ब्रांड का चेहरा रहे। साल 1998 में नकुल शिवानी कश्यप के म्यूजिक वीडियो हो गई है मोहब्बत में नजर आए। इस वीडियो में उन्होंने अपने मसल्स खूब दिखाए। इसके बाद ही उन्हें म्यूजिक वीडियोस में काम मिलने लगा। इसके बाद वो सिंगर रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ के म्यूजिक एल्बम मोहब्बत हो गई के वीडियो में नजर आए। फिर वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के एल्बम आजा मेरे यार में नजर आए। अपने गठीले बदन और जबरदस्त पर्सनैलिटी के चलते वो लोगों के चहेते तो बन ही चुके थे, इंडस्ट्री में भी लोगों की निगाहों में आ चुके थे। यही वजह थी कि उन्हें फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में लीड रोल ऑफर हो गया। फिल्म में उनके साथ रति अग्निहोत्री, आरती छाबड़िया और किम शर्मा जैसे कलाकार थे। फिल्म 26 अप्रैल 2002 को रिलीज हुई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन नदीम श्रवण के म्यूजिक से सजे इन गानों ने धमाल मचा दिया। टाइटल सॉन्ग पर गिटार बजाने का उनका वो अंदाज दिल को लुभा गया। कई बार फिल्में भले ही कामयाब ना हो, लेकिन उससे जुड़े कलाकार दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये भी ऐसी ही फिल्म साबित हुई। इससे नकुल कपूर को वो नेम, फेम और तगड़ा फैन बेस मिला जो आज तक नहीं मिल सका था। बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, और इसके बिना यहाँ सफल होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नकुल कपूर ने अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते ये कर दिखाया था। अब उनके फैंस को इंतजार था उनकी अगली फिल्म का, लेकिन चिंता तब हुई जब इंतजार लंबा होता गया। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन वो इंतजार खत्म नहीं हुआ। हैरानी तो ये थी कि वो ना तो फिल्मों में कहीं दिख रहे थे, और ना ही म्यूजिक वीडियोस में, और ना ही किसी एड में। ना ही वो कहीं दिख रहे थे, और ना ही उनसे जुड़ी कोई खबर मिल पा रही थी। वो सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, जिसके चलते लोगों को चाहकर भी उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय का पहिया चलता रहा, और धीरे धीरे लोगों ने नकुल कपूर को भुला दिया। लेकिन कई सालों के बाद साल 2015 में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर उनके फैंस सदमे में आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके चहेते एक्टर के साथ ऐसा भी हो सकता है। खबर थी नकुल कपूर की मौत की। किसी ने कहा कि सड़क हादसे में मौत हुई, किसी ने बीमारी को वजह बताया, लेकिन कहीं से कुछ भी ऑथेंटिक खबर नहीं मिल पा रही थी। तभी उनके फैंस ने एक ऐसी खबर ढूंढ निकाली जिससे उम्मीद की किरणें जगमगा उठी। पता चला कि साल 2005 में नकुल कपूर ने कनाडा के एक टीवी शो टर्मिनल सिटी में नजर आए थे। यानी अब दो बातें एकदम साफ थी। पहली ये कि वो मौत की खबर महज अफवाह थी, और दूसरी ये कि वो शायद विदेश में कहीं सेटल हो गए हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो है कहाँ। इस सवाल का जवाब भी मिला, और जवाब दिया खुद नकुल कपूर ने। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया कि वो जिंदा हैं और सकुशल हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि वो फिल्मों से दूर हैं और कनाडा में रहकर योग सिखाते हैं। दरअसल नकुल का रुझान शुरू से ही योग और अध्यात्म में था। मन की शांति के लिए वो मेडिटेशन किया करते थे। समय के साथ साथ अध्यात्म की ओर उनका रुझान बढ़ता गया। वो इसमें इतना तल्लीन हो गए कि ग्लैमर की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कनाडा चले गए। यहाँ उन्होंने खुद का योग सेंटर शुरू किया, जहाँ तमाम लोग उनसे योग सीखने आते हैं। नकुल कपूर भले ही एक फिल्म के हीरो थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म से ही लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन जरूरी है कि व्यक्ति वो काम करे जिसमें उसे प्रसिद्धि भले ही ना मिले, लेकिन संतुष्टि जरूर मिले, और नकुल यही काम कर रहे हैं। नकुल कपूर के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।